ये पेड़ जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्या लगता है किस पेड़ के ऊपर ये क्या चढ़ गया है? और क्या आपने कभी सफेद रंग का मोर देखा है? तो बने रहना इस वीडियो में, क्योंकि आज आप ऐसी ऐसी चीजों को देखने वाले हो जो आपने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखे होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। मैक्सिको में भूभीगत प्राकृतिक फवारा। मैक्सिको में ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जिन पर विश्वास करना बहुत कठिन है। यह भूमिगत प्राकृतिक स्प्रिंग यानी फवारा भी उन जगहों में से एक है। इनको सैनोज भी कहा जाता है। यह एक कुदरती गड्ढा होता है जो चूना पत्थर के नीचे गिरने से बनता है। ओरोरस। यह अद्भुत जगह ध्रुवीय क्षेत्र के पास पड़ती है। इस जगह में रात को आकाश में रोशनी चमकती है क्योंकि यह जगह ऊंचाई पर स्थित है। जब प्रकाश इस जगह के वातावरण में मौजूद कणों से टकराता है तो ये छोटे छोटे कण आकाश में रोशनी उत्पन्न होते हैं। इसी वजह से यहाँ का आकाश रात को रोशनी से चमकने लगता है। एक बार इमेजिन करो यार कि कितना प्यारा लगता होगा ये सीन। केंदली झील में पानी के नीचे बन। ये धंसे हुए और पानी के भीतर जंगल केंदली झील का हिस्सा है। यह जंगल 400 मीटर तक फैले हुए है। यह जगह अलमाती से 119 किलोमीटर दूर है। यह झील भूस्खलन से बनी हुई है जो कि 1911 में भूकंप के कारण हुआ था। यह बहुत ही खूबसूरत और आनंदमयी जगह है। मैक्सिको के ऊपर प्रकाश के स्तंभों का बनना। यह दृश्य तब बनता है जब आकाश में बर्फ के क्रिस्टलों पर रोशनी पड़ती है। यह रोशनी सूरज के चंद्रमा और कहीं से भी आ सकती है। बर्फ के क्रिस्टलों पर जब रोशनी पड़ती है तब ये क्रिस्टल आकाश में अलग दो कृतियाँ बनाते हैं और ये काफ़ी देखने में सुंदर और आश्चर्यजनक लगते हैं। सफ़ेद मोर। इस तरह के मोर भारत और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। मोर शायद पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे सुंदर पक्षी है। उस पर मोर का बिल्कुल सफ़ेद होने अपने आप में एक आश्चर्य है। अब इनके पंख सफ़ेद क्यों हो जाते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। सफ़ेद मोर एक दुर्लभ प्रजाति है। सफ़ेद मोर के पंख पिगमेंट की कमी के कारण सफ़ेद होते हैं। इन मोरों में एक अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है जिनके कारण इनके पंख सफ़ेद हो जाते हैं। पाकिस्तान में भूत जैसे दिखाई देने वाले पेड़। पाकिस्तान में जब बाढ़ आई थी तो लाखों की तादाद में मकड़ियां बाढ़ के पानी से बचने के लिए इन पेड़ों पर चढ़ गईं और इन पेड़ों पर जाल बिछा दिए। क्योंकि बाढ़ का पानी काफ़ी समय तक रहा इसलिए इन मकड़ियों ने पूरे पेड़ों पर ही अपने जाल बिछा दिए। अब ये पेड़ भूतों की तरह दिखाई देते हैं। और आज के लिए गाइस बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो का एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास में आपको बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा उसको ऑल पर जरूर सेट कर देना, वरना सब्सक्राइब करने का भी कोई फ़ायदा नहीं रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।